हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शुभम कुमार। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, इस चैप्टर में का नाम ही देखो क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। तो जितने भी सरफेस से रिलेटेड फिनोमिना होंगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब देखो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक ए सरफेस केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फिनोमिना दैट अकर बिटवीन टू इंटरफेसेस या बिटवीन टू फेस ऑफ इंटरफेस। मतलब दो इंटरफेस के फेसेस के बीच में जो रिएक्शंस होंगी, जो फिनोमिना होंगे फिजिकल या केमिकल, वो हम सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। लाइक सॉलिड और लिक्विड के बीच जो फिनोमिना होगा, लिक्विड गैस के बीच, सॉलिड गैस के बीच या सॉलिड वैक्यूम के बीच जितने भी फिनोमिना होंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। तो ये तो सिंपल इसकी डेफिनेशन होगी। एक बार और बता रहा हूँ आपको कि सरफेस केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फिनोमिना दैट अकर एट द इंटरफेसेस ऑफ टू फेस, लाइक सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, सॉलिड गैस इंटरफेस, लाइक सॉलिड वैक्यूम इंटरफेस एंड लिक्विड गैस इंटरफेसेस। तो ये सिंपल डेफिनेशन है सरफेस केमिस्ट्री की। इसमें जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इसमें फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन, सेकंड एडजॉर्प्शन है, एंड थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, देखो मैंने डेफिनेशन में बताया है फिजिकल और केमिकल फिनोमिना। तो यहाँ पर मेन पॉइंट जो यहाँ पर हमारा स्टार्ट है वो देखो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर दो टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। फोर्थ टॉपिक है हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर ड्राइव हम करेंगे। फिफ्थ जो मेरे पास टॉपिक है वो कैटालिसिस, कैटालिसिस में हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट के टाइप्स होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इसमें ही हम एंजाइम कैटालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कोलाइड्स एंड कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन। सेवेंथ पॉइंट, हम कोलाइड्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे एंड उनका प्यूरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 7 में। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, तो देखो इसमें कोलाइड्स कितने इंपॉर्टेंट है सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो कोलाइड्स, मैंने यहाँ पर तीन पॉइंट लिखे हुए हैं, कोलाइड्स, फिर उसके क्लासिफिकेशन, फिर उसकी प्रिपरेशन है, फिर प्योरिफिकेशन है, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लियर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन से, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट है मेरा एब्जॉर्प्शन। अब देखो यहाँ पर बताया हुआ है डेफिनेशन में कि इट इज ए फिनोमिना इन विच वन सबस्टांस एंटर इनटू अनदर सबस्टांस। ठीक, पहले इतनी डेफिनेशन समझते हैं। इसमें यह बताया हुआ है कि एक सबस्टांस क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है दूसरे सबस्टांस में। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये प्रोसेस हो गया एब्जॉर्प्शन का, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुई अभी। अब उसके बाद क्या बता रहा है कि गैट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ एनदर सबस्टांस। मतलब जो सबस्टांस एंटर करा है दूसरे सबस्टांसेस में, वन सबस्टांस एंटर इनटू अनदर सबस्टांस, उसके बाद क्या कर रहा है, एंटर करने के बाद वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब एक समान तरीके से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ थ्रू आउट पूरे में टू अनदर सबस्टांस। मतलब उसके बल्क में क्या करा, पूरे एक समान तरीके से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लाइक द्वारा बता रहा हूँ कि एक सबस्टांस ने क्या करा, दूसरे सबस्टांस में एंटर करा और उस सबस्टांस के पूरे बल्क में क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लाइक जैसे आपको देखो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सब घर पे अच्छे अच्छे चीज़ें बना रहे हैं, लाइक जलेबी आप बनाते हो, गुलाब जामुन बना रहे हो। क्लियर है, तो गुलाब जामुन हम क्या करोगे, तलोगे उनको, देन उसको फिर शुगर सॉल्यूशन में डिप करते हो आप, करोगे शुगर सॉल्यूशन में, जलेबी बनाते हो, तलने के बाद उसको शुगर के सॉल्यूशन में क्या करोगे, डिप करोगे। क्लियर है, तो डिप करने के बाद क्या होता है, तो देखो वह शुगर जो सॉल्यूशन होता है वो जलेबी में एक एक ही पॉइंट पे तो रहता नहीं है, कंप्लीट क्या करता है, थ्रू आउट होता है, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो फिनोमिना है ये क्या है, ये
कि एब्जॉर्प्शन फिनोमेना है, जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में एंटर होने के बाद एक समान तरीके से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है? उस फिनोमेना को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? समझ में बात आई? गुलाब जामुन बनाओ, खाओ। इसमें दो एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, लाइक स्पॉन्ज इन वाटर, क्लियर, एंड सेकेंड बिस्किट्स इन टी। एक सिंपल एग्जाम्पल है, कोई केमिकल एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए नहीं है, केमिकल एग्जाम्पल्स या फिजिकल एग्जाम्पल्स ये आप घर पे भी देख सकते हो। जैसे बिस्किट्स, आप टी में जैसे ही भिगोते हो, बिस्किट्स क्या हो जाता है, उस टी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कम्प्लीटली क्या करता है, कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होती है वहाँ पर टी, ठीक है, किसमें, बिस्किट्स में। क्लियर है? एक पॉइंट्स पे जाके नहीं रुकती है, कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट द बल्क ऑफ एनदर सब्सटेंसेस। तो ये फिनोमेना होता है आपका एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। समझ में बात आ गई कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में एंटर होने के बाद क्या करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द बल्क, नोन एज एब्जॉर्प्शन। क्लियर? एग्जाम्पल समझ में आ गई। नेक्स्ट है मेरा, देखो इसमें एब्जॉर्बेट। क्या है? एब्जॉर्बेट। और दूसरा है एब्जॉर्बेंट। देखो एक इसमें लिखा हुआ है एब्जॉर्बेट एंड दूसरा एब्जॉर्बेंट। अब यहां पर देखो, मैंने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि फिनोमिना जिसमें वन सब्सटेंस एंटर इनटू अनदर सब्सटेंस, तो डेफिनेशन में ही, एब्जॉर्प्शन के डेफिनेशन में ही इन दोनों वर्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको समझना है। देखो फर्स्ट द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब, ठीक, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब हुआ है। क्या है? जो एब्जॉर्ब हुआ है, लाइक स्पॉन्ज, में देखो नीचे एक स्पॉन्ज का एग्जाम्पल लिखा हुआ है ब्लैक में, ऊपर वाटर है, तो जैसे स्पॉन्ज आप वाटर में डिप करोगे, वाटर में रखोगे, तो स्पॉन्ज क्या कर लेती है, वाटर वाटर को क्या लेती है, सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वाटर क्या हुआ, वाटर एंटर हुआ दूसरे सब्सटेंसेस में, क्या हुआ, वाटर एंटर हुआ, तो जो सब्सटेंस एंटर करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेट। जो एंटर करेगा नहीं, जो एंटर होगा दूसरे सब्सटेंस में उसे एब्जॉर्बेट, और जो वन सब्सटेंस को अपने अंदर एंटर कराएगा, लाइक जैसे मैंने बताया था गुलाब जामुन और शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन गुलाब जामुन में एंटर कर रहा है तो वो क्या है, एब्जॉर्बेट है, और गुलाब जामुन क्या है, एब्जॉर्बेंट। क्लियर? यहां पर देख लो, द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब, वाटर क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वाटर को मैं बोलूंगा एब्जॉर्बेट। क्लियर? एब्जॉर्बेट, ए बी, ठीक है। नेक्स्ट एब्जॉर्बेंट, ये क्या कर रहा है, ये सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब करेगा, जो दूसरे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या है, स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। क्लियर है? समझने बात आई है? सिंपल एग्जाम्पल देख लो, जैसे टीन बिस्किट्स, ये बिस्किट्स इन टी सिंपल एग्जाम्पल है, तो बिस्किट्स को आप डिप करते हो, बिस्किट्स को आप डिप करते हो, तो टी क्या कर रही है, टी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, किसमें, बिस्किट्स में, तो बिस्किट क्या है, एब्जॉर्बेंट है, और टी क्या है, एब्जॉर्बेट, मतलब वो सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दूसरे सब्सटेंस में, वो एब्जॉर्बेट है, एंड जो एब्जॉर्ब कर रहा है दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब, वो क्या है, एब्जॉर्बेंट। क्लियर? तो कंफ्यूजन नहीं होना इसमें दोनों वर्ड में, सिंपल याद रखना है, जो होगा एंटर वो एब्जॉर्बेट, जो करवाएगा एंटर वो एब्जॉर्बेंट, इतना वर्ड याद रखो बस। क्लियर? समझ में बात आ गई? ठीक। नेक्स्ट है मेरा इसमें एडजॉर्प्शन। क्या है? एडजॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन पढ़ा, अब ये क्या है, एडजॉर्प्शन। तो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है इसमें, इट इज ए सरफेस फिनोमिना। क्या है? कि ये सरफेस फिनोमिना है। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज ए फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस एक्युमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। अब देखो ये मेरे पास जो डेफिनेशन है ये एडजॉर्प्शन की है। अब पीछे याद करो डेफिनेशन मैंने अभी पढ़ाया था आपको, एब्जॉर्प्शन, क्या पढ़ाया था, ए बी, एब्जॉर्प्शन। क्लियर? उसमें मैंने बताया था कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में एंटर करता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है बल्क में, ठीक।
कंप्लीट एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो तो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक्युमुलेट होगा केवल किस पर, सरफेस पर, मतलब सरफेस पे ही प्रेजेंट रहेगा, उसके अंदर एंटर नहीं करेगा वो। क्लियर? मतलब जैसे कि आप देखो, एक जैसे आपके पास एक लकड़ी है, वाटर में डिप कराओ, वाटर में डिप कराने के बाद एकदम से ही निकालो, देखो कि जो पानी है थोड़ा सा उस लकड़ी पे लगा हुआ रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा उस लकड़ी पर लगा हुआ रहेगा, वुड पर, लकड़ी ये करवट कर दी बेटा हमने। तो हम देखो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, देखो दूसरा एग्जांपल समझ में नहीं आया था, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे चौक, हम बोर्ड पे राइट करते हैं चौक से, तो क्या चौक एंटर करती है बोर्ड के अंदर? नहीं करती ना, केवल सरफेस पे तो रहती है। क्लियर है? तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है। क्या है ये? एब्जॉर्प्शन, जो क्या फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना होता है, जिसमें एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस के सरफेस पे ही केवल एक्युमुलेट करेगा। ठीक, जैसे मैंने देखो वुड का एग्जांपल बताया था कि वुड वुड का टुकड़ा है आपका, और डिप करोगे लकड़ी, आप डिप करोगे वाटर में, ठीक है, जैसे ही बाहर निकालोगे, जैसे ही आप बाहर निकालोगे एकदम से ही, रखना नहीं है ज़्यादा देर, थोड़ी देर डिप करा एकदम और निकाल लिया बाहर, तो कुछ वाटर के ड्रॉप्स क्या है लकड़ी के चारों ओर रहेंगे, तो वे सरफेस पे ही रहते हैं, अंदर उसके एंटर नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ में बात आई? क्लियर? जैसे चौक को आप क्या करो, एक इंक में डिप करा दो, तो चौक क्या करेगी, उस इंक को एब्जॉर्ब कर लेगी, जो इंक का कलर है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन जैसे आप ब्रेक करोगे चौक को, तो अंदर से वो कैसे निकलेगी, वाइट ही निकलेगी, लेकिन बाहर से वो जो इंक का कलर रहेगा वैसा कलर उसका चौक का हो जाएगा, लेकिन इनटू जो बल्क में रहेगा, अंदर जो रहेगा कलर वो कैसा रहेगा, वाइट ही रहेगा। तो ये एग्जाम्पल है आपके एब्जॉर्प्शन, जो केवल सरफेस फिनोमिना पर ही होते हैं। देखो एक सिलिका जेल है, देखो कोई आप लगेज बैग खरीदते हो, आपको देखो उसमें सिलिका जेल मिलता है थोड़ा सा पाउच में एक, तो वो क्यों यूज किया जाता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, जैसे एब्जॉर्प्शन में मैंने पढ़े थे एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, यहाँ पर भी दो चीज और है, एक एब्जॉर्बेट है एक एब्जॉर्बेंट है। तो सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है आपको, द सबस्टांस विच इज बींग एब्जॉर्ब, मतलब जो एब्जॉर्ब होंगे, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नीचे सिलिका जेल लिखिए, तो सिलिका जेल क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब कराएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, एडजॉर्बेट है, और एडजॉर्बेंट जो सबस्टांस विच एब्जॉर्ब, जो एडजॉर्ब करेगा वो क्या है, सिलिका जेल। क्लियर? सिंपल डेफिनेशन पर इतना ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है मेरा पॉजिटिव एंड निगेटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एंड निगेटिव एडजॉर्प्शन। क्लियर है? अब देखो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, अब देखो मैंने अभी बताया पीछे डेफिनेशन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट बताया था दोनों, अब यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर कंसेंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर एट द सरफेस एज कंपेयर टू इट्स कंसेंट्रेशन इन द बल्क फेज, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर एडजॉर्बेट की कंसेंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा है, किस पर, सरफेस पे ज्यादा है, किसके कंपेयर में, बल्क के कंपेयर में, तो कौन सा एडजॉर्प्शन होगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा। कौन सा एडजॉर्प्शन होगा भाई, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा। क्लियर? लाइक देखो आप सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट को क्या करता है, डिजॉल्व कराता है। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट जो क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट क्या हो गए, एडजॉर्बेट हो गए, और सॉल्वेंट एडजॉर्बेंट हो गए। क्लियर? अगर यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उन दोनों को अगर हम तीसरे सरफेस, कोई थर्ड पार्टी का सरफेस हम ले रहे हैं, अगर वहां पर एडजॉर्बेट मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन मोर आ रही है, तो वो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन है। अगर उस सरफेस पर सॉल्वेंट मतलब एडजॉर्बेंट की कंसंट्रेशन मोर है, तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब मैंने यहां पर देखो एडजॉर्बेंट नहीं लिया है, एडजॉर्बेट ही लिया हुआ है, एडजॉर्बेट इज लेस, मतलब अगर एडजॉर्बेट लेस है तो एडजॉर्बेंट मोर है, बस समझ जाना। तो यहां पर बताया हुआ कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज लेस एट द सरफेस एज कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क फेज, तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो सिंपल देखो याद रखना है, इतना सोचना जानना नहीं है, केवल एक चीज याद रखो
कि अगर मेरे पास एच और बी एट की कंसंट्रेशन मोर है किस पर, सरफेस पर, तो पॉजिटिव एज ऑप्शन। अगर मेरे पास कंसंट्रेशन कम है तो मेरा नेगेटिव एज ऑप्शन। बस इतना ध्यान रखो, बस क्या याद रखना है कि अगर कंसंट्रेशन एडजोर्बेट की, मतलब जो एडजोर्ब हो रहा है, जैसे मैंने बताया था सिलिका जल और वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन मोर है सरफेस पर तो पॉजिटिव एज ऑप्शन है। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है सरफेस पर तो निगेटिव एड ऑप्शन है। बस इतना ध्यान रखो, क्लियर है? बस ए पॉइंट ही आपको समझना है, यही पॉइंट समझ में आना है निगेटिव और पॉजिटिव का। पॉजिटिव अगर कंसंट्रेशन आपके पास मोर है, निगेटिव अगर कंसंट्रेशन आपके पास एडजोर्बेट की क्या है, कम है सरफेस पर, तो निगेटिव एड ऑप्शन। क्लियर? बस इतना पॉइंट ध्यान रखो। नेक्स्ट मेरा देखो, इसमें है डिजॉर्प्शन, मतलब ये क्या है, रिवर्स फिनोमिना है किसका, एडजॉर्प्शन का। अगर मैं एडजोर्बेट, एडजोर्ब मॉलिक्यूल को क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ, लाइक मेरे पास जो सिलिका जेल ने क्या करा था, वाटर मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब किया था, अगर मैं उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर लूँ तो मेरा कौन सा फिनोमिना होगा, डिजॉर्प्शन। क्या होगा, डिजॉर्प्शन। क्लियर है? मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑन एडजॉर्ब सबस्टांस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब, इट इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। क्या कहते हैं इसे, डिजॉर्प्शन कहते हैं। पक्की बात समझ में आता है तो ये उसे क्या बोलेंगे, डिजॉर्प्शन फिनोमिना बोलेंगे। क्लियर है? अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए और एडजॉर्प्शन के लिए, मतलब दोनों पॉइंट्स को, दोनों चीज़ों को एक साथ समझने के लिए। देखो इस वीडियो में हम केवल एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ही करेंगे, एक एब है एक एड है। क्लियर? पर इतना ध्यान रखो, एब में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में वहां पर बल्क में जाता है सबस्टांस, यहाँ और एडजॉर्प्शन में सरफेस पर रहता है। फर्स्ट, वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे बल्क में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन सिलिका जेल ऐसा नहीं करता, सिलिका जेल क्या करता है, केवल उनको अपने सरफेस पे ही रखेगा, क्या रखेगा, अपने सरफेस पे ही प्रेजेंट कराएगा। मतलब सिलिका जेल एडजॉर्ब करेगा वाटर वेपर को और कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करेगा। पक्की बात। सेकेंड पॉइंट, इन एडजॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट इंक्रीज ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। मतलब एडजॉर्प्शन में हमने क्या बताया था कि एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है केवल सरफेस पर, किसके, एडजॉर्बेंट के। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल ले लो, जैसे वाटर वेपर और सिलिका जेल, तो वाटर वेपर क्या है, एडजॉर्बेट है, और सिलिका जेल क्या है, एडजॉर्बेंट। तो सिलिका जेल के सरफेस पर हम वाटर वेपर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज नहीं होती है, वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्या होती है, एक समान डिस्ट्रीब्यूट होती है दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे सबस्टांस के बल्क में। क्लियर? समझ में बात आई, पक्का? यहाँ पर आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो सरफेस पे, वहां पर आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप केवल कंसंट्रेशन आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी एक समान तरीके से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों फिनोमेना हम एक साथ करा सकते हैं, और द टर्म जॉर्प्शन इज यूज टू डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेस। मतलब जॉर्प्शन वर्ड को हम यूज कर सकते हैं दोनों वर्ड को डिफाइन करने के लिए, दोनों वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, इंट्रोडक्शन था हमारा आज। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।